नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। बिहार बोर्ड मैट्रिक के कॉपियों की जांच आज से शुरू। प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले सरकारी चिकित्सकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। एमपी एमएलए को मुलाकात का समय नहीं देने पर अफसरों पर होगी कार्रवाई। ईशान किशन को बाहर करने के बीसीसीआई के फैसले को गांगुली ने बताया सही। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार के लंबे उम्र और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की। वहीं सीएम नीतीश कुमार का जन्म बख्तियार में हुआ था। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने जयप्रकाश नारायण के एंटी इमरजेंसी आंदोलन में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्हें 19 महीने का समय जेल में गुजारना पड़ा था और साल 2000 में नीतीश कुमार ने पहली बार सीएम के पद की शपथ ली थी। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के कॉपियों की जांच आज से शुरू। बिहार में आज से मैट्रिक के कॉपियों की जांच शुरू हो चुकी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आदेश पर मैट्रिक के कॉपियों की जांच शुरू की गई है। बोर्ड ने सभी जिलों में मूल्यांकन से संबंधित आदेश पहले ही भेजे थे। वहीं अगर कहीं शिक्षकों की कमी होगी तो वहां ऑन स्पॉट शिक्षकों को डीईओ के आदेश पर केंद्राधीक्षक नियुक्त करेंगे। बोर्ड के आदेश के अनुसार सभी शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य के लिए 10 मार्च तक का समय दिया गया है। राज्य में 250 से अधिक मूल्यांकन केंद्रों की स्थापना हुई है, जबकि पटना में 11 मूल्यांकन केंद्र है। बिहार में दाखिल खारिज के 7 लाख से अधिक मामले लंबित। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में दाखिल खारिज के 7,70,264 मामले लंबित है। उन्होंने जानकारी दी है कि विवादित भूमि की दाखिल खारिज करने से न्यायिक मामले के साथ ही तनाव में बढ़ोतरी होती है। ये समाज और जन समुदाय के हित में नहीं है। इस कारण दाखिल खारिज के मामलों में सूक्ष्म जांच की जाती है। विजय सिन्हा ने जानकारी दी है कि लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सभी को तय सीमा में दाखिल खारिज के मामलों का निष्पादन करने का आदेश है। कुल 22,79,000 आवेदन में से 15,09,000 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। बिहार के इस स्टेशन पर भी रुकेगी वंदे भारत ट्रेन। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव अब बिहार के जहानाबाद जिले में भी होगा। इस ट्रेन का प्रायोगिक तौर पर 2 मिनट का ठहराव यहां देने का रेलवे ने फैसला लिया है। लोगों की सुविधा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि वंदे भारत एक्सप्रेस 7:34 पर जहानाबाद स्टेशन पहुंचेगी और यहां से 7:36 पर आगे के लिए जाएगी। इसी तरह ये गाड़ी वापसी में रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस 9:25 पर जहानाबाद एक्सप्रेस पहुंचेगी और यहां से 9:27 पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। आपको बता दें कि जहानाबाद में सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और विधायक सुदय यादव ने हरी झंडी दिखाकर इस गाड़ी को रवाना किया है। बख्तियारपुर में बिहार के पहले स्क्रैप सेंटर की हुई शुरुआत। बिहार के पहले स्क्रैप सेंटर की शुरुआत पटना के बख्तियारपुर में हुई है। यहाँ पर गाड़ियों के वजन के अनुसार 25 रुपए प्रति किलो की दर से गाड़ी मालिकों को दिए जा रहे हैं और उसके अलावा उन्हें 2 सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाते हैं। इसमें पहला सर्टिफिकेट डिपॉजिट और दूसरा सर्टिफिकेट व्हीकल स्क्रैपिंग से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण के मुताबिक यहां गाड़ियों के स्क्रैप से जुड़े काम किए जा रहे हैं। कई लोग यहां नीलामी के लिए गाड़ी लेकर पहुंच रहे हैं। उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट दिया भी जा रहा है जिनका वितरण वाहन के पोर्टल पर मौजूद है। मालूम हो कि अवैध स्क्रैप सेंटर पर गाड़ियों की बिक्री होने से उसके दुरुपयोग की आशंका बनी होती है। प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले सरकारी चिकित्सकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बिहार में प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले सरकारी डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि डुमरा अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टर की स्वीकृत पदों की संख्या 9 है। वहीं वहां एक हड्डी रोग विशेषज्ञ भी मौजूद है। इधर माली के विधायक अजीत कुमार ने कहा था कि राज्य में डॉक्टरों की संख्या कम होने की वजह से इमरजेंसी की सेवा प्रभावित हो रही है। ऐसे में सरकार को इस मामले में कुछ कदम उठाना चाहिए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज के शिक्षक को 7 घंटे काम करना अनिवार्य।
यूजीसी ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए नई नियमावली को लागू किया है। इसमें शिक्षकों और कर्मचारियों के कार्यभार का निर्धारण किया गया है। इसके अनुसार शिक्षकों को 7 घंटे तक काम करना अनिवार्य किया गया है। इसमें कम से कम 2 घंटे छात्रों को सलाह देने के लिए निर्धारित है। यूजीसी ने कॉलेज शिक्षक के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने इस संबंध में सूचना जारी की है। आपको बता दें कि ये आदेश 1 मार्च से लागू हो चुका है और शिक्षक और कर्मचारी सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कॉलेज में रहेंगे। बिहार में बिजली की कीमत में बढ़ोतरी संभव। बिहार में बिजली की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। विद्युत कंपनी ने बिजली की कीमत में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इधर उपभोक्ताओं ने बिजली की कीमत में कमी की मांग की है। आपको बता दें कि बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग इस बात का फैसला लेगी कि बिजली की कीमत में इजाफा होगा या फिर नहीं होगा। पटना में 2 दिवसीय जनसुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित रखा गया। विद्युत कंपनी ने बिजली की दर में इजाफे की मांग की है। कंपनी के साथ उपभोक्ता दोनों ही फैसले के इंतजार में है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम राज्य में जनता को मुफ्त नहीं बल्कि सस्ती बिजली के पक्ष में है। सरकार लोगों को कम दर में बिजली उपलब्ध भी करा रही है। बिहार में अवैध रूप से घुसपैठ करते चीनी नागरिक गिरफ्तार। बिहार में अवैध रूप से घुसपैठ करते चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रक्सौल बॉर्डर से ये गिरफ्तारी की है और इसके साथ ही इस मामले की सूचना भारत सरकार के विदेश निदेशालय को भेज दी है। उसके बाद केंद्र सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि संदेह के आधार पर चीनी नागरिक से सुरक्षा कर्मियों ने पूछताछ की थी और उसके बाद कोई कागजात बरामद नहीं हुआ। इसके मोबाइल में चीनी पासपोर्ट था। नेपाल सरकार ने इसे पर्यटक वीजा पर रहने की अनुमति दी थी। इधर चीनी नागरिक का कहना है कि नेपाल में घूमने के दौरान वो गलती से बॉर्डर देखने के क्रम में भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया है। फिलहाल इसे मोतिहारी न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। एमपीएमएलए को मुलाकात का समय नहीं देने पर अफसरों पर होगी कार्रवाई। एमपीएमएलए को मुलाकात के लिए अफसरों द्वारा समय नहीं देने के मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया। दरअसल अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को समय देने का 1 सप्ताह में 1 दिन का समय तय किया गया था और विधानसभा में विधायक मिथिलेश कुमार ने सवाल उठाया कि सांसद और विधायक को जिला के पदाधिकारी मिलने का समय नहीं देते हैं। ऐसे में लोगों की समस्याओं का निपटारा ढंग से नहीं किया जा सकता है। उसका प्रभारी मंत्री ने जवाब दिया है कि अफसरों को जन प्रतिनिधि से सप्ताह में 1 दिन मुलाकात जरूर करना चाहिए और ऐसा नहीं करने पर सूचना मिलने पर उस मामले में कार्रवाई की जाएगी। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर होंगे 4 केंद्रीय मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 4 केंद्रीय मंत्री मंच साझा करेंगे। इसमें नगर विकास सह पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रसायन उर्वरक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, रेल डाक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह शामिल होंगे। बेगूसराय सांसद ने कहा है कि पीएम बेगूसराय को विकास की कई सौगात देने वाले हैं। वहीं तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे भाजपा को फायदा हुआ है। राबड़ी देवी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की ये मांग। बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, लेकिन हम उनसे मांग करेंगे कि बिहार को वो विशेष राज्य का दर्जा दे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी ये मांग की थी, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं की गई है। अब नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं तो उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। हमारी ये मांग कब पूरी होगी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के चयन में जुटी बिहार बीजेपी। बिहार में लोकसभा के उम्मीदवारों के चयन के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। 17 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। वो कार्यकर्ताओं का फीडबैक आलाकमान को सौंपेंगे और उसके बाद खराब परफॉर्मेंस करने वाले सांसदों का टिकट कट सकता है। फिलहाल बीजेपी की ओर से सांसदों की सूची तैयार की जा रही है। भाजपा ने उम्मीदवारों को लेकर सर्वे भी करवाया है। बताया जाता है कि जिस सांसद से कार्यकर्ता नाराज होंगे उन्हें टिकट नहीं दिया जा सकता है और पार्टी के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक जिला कोर कमेटी के सदस्यों से बातचीत करेंगे और इसके साथ ही उम्मीदवारों के बारे में राय इकट्ठा करेंगे। आरजेडी विधायक ने सीएम नीतीश कुमार को दी जन्मदिन की बधाई। आरजेडी से विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी है। साथ ही उन्हें महागठबंधन में आने का ऑफर दिया है।
भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि गलत संगत में मत रहिए, ये आपको बर्बाद कर देगा। इधर राबड़ी देवी ने सदन के अंदर जाने के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। सदन के अंदर राजद विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश को महागठबंधन में वापस आने का निमंत्रण दिया। इधर आरजेडी से विधायक विजय सम्राट ने भी कहा है कि हम सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई देते हैं, लेकिन हमने उन्हें याद दिलाया है कि वो गलत जगह चले गए हैं। ईशान किशन को बाहर करने के बीसीसीआई के फैसले को गांगुली ने बताया सही। बीसीसीआई ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को केंद्रीय अनुबंध से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोनों ही खिलाड़ी पिछले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। ईशान किशन ने आखिरी बार नवंबर 2023 में भारत के लिए क्रिकेट खेला, जबकि श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेला था। बीसीसीआई के इस फैसले को पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने सही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई चाहती है कि वो पहली श्रेणी का क्रिकेट खेले। ये आश्चर्य की बात है कि दोनों ही खिलाड़ियों ने रणजी मैच में हिस्सा नहीं लिया। खिलाड़ियों को प्रथम श्रेणी का क्रिकेट खेलना चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, उमेश श्रीदेव, बाबूलाल मरांडी, गौरी कुमारी, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, शदुल्ला पालवी, वेद प्रकाश सिंह, सुकुमार सिंह बादल, गोनर शर्मा, अर्जुन राम, मोहम्मद शकीर हुसैन, अखिलेश यादव, नूरुद्दीन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, रणजी मैच नहीं खेलने के कारण सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ईशान किशन को बीसीसीआई के बाहर करने पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।